खबर। सिंध हाई कोर्ट ने 2012 को पेश ना करने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए आईजी सिंध को 2012 को पेश करने का टास्क दे दिया। तफसीलात के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट में 2012 की कम उम्र में शादी और मुबैना अगवा के केस की समाअत हुई। दौरान समाअत 2012 को पेश न करने पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने वकील से मुकालमे में कहा कि रियासत इतनी कमज़ोर है कि मुल्क में मौजूद एक लड़की को कराची नहीं ला सकती। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है लेकिन अमली इकदाम नहीं। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि बच्ची कहाँ है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मजकूरा पता पर बच्ची नहीं मिली। तो जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने कहा कि इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने कहा कि बच्ची वीडियो बना रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है लेकिन पुलिस को नहीं मिल रही। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हमें वक्त दे दिया जाए, जिस पर जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने कहा कि पुलिस सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और दावे कर रही है, एक बच्ची नहीं मिल रही, वीडियो आ रही है, क्या रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है। अदालत ने आईजी सिंध को 2012 को पेश करने का टास्क देते हुए समाअत 24 मई के लिए मुलतवी कर दी। सबसे पहले मैं सिंध गवर्नमेंट और सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस केस में मेरी मदद की। खसूसन सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूँगा और ज़फ़र भाई जेडीसी जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया और